हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 की न्यू बुक कक्षा 7वीं विषय विज्ञान। ये जो है आपका अध्याय 2 है, अध्याय 2 में आपका दिया है प्राणियों में पोषण। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके कुछ निर्देश टाइप दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सहपाठी का नाम, प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। पहला प्रश्न आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे, तो जो है आपको उत्तर में लिखना है सी नंबर, ORS का घोल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी, तो आपको उत्तर में करना है बी नंबर, रासायनिक पाचन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित हैं, तो आपको राइट आंसर करना है ए नंबर, बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। आपका चौथा में है, क्रमाकुंजन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है, तो आपको जो है यहाँ पे लिख भी लेना है। इसके बाद आता है आपका पांचवा, क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है क्योंकि, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यह वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्वों में से टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको पहले में भरना है, तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा पाचन, यहाँ पे आपको भरना है स्टार फिश, और यहाँ पे आपको भरना है अंतःग्रहण, और यहाँ पे स्वादकालिकाएँ पे आपको भरना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुतरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, तो आपको जो है उत्तर में इस तरह से लिख लेना है, पहले में है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, तो आपको लिखना है पित्त याकृत में निर्मित होता है और एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा में है, पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है, पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आपको उत्तर में यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा है आपका भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो आपको उत्तर में लिखना है सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। छठवें में है, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों, तो आपको उत्तर में लिखना है रोटी चबाते समय लार स्टार्च को माल्टेज में बदल देती है और इसलिए रोटी मीठी लगने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुतरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है, बूझो जानना चाहता है कि क्या आप घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से होता है, यदि कुछ विभिन्न है तो उसका विवरण लिखिए, तो आपको जो उत्तर में लिखना है भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थों, सरल पदार्थों एवं परिवर्तित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है, तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आठवां। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए, तो आपको उत्तर में लिखना है आमाशय की आंतरिक सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणियों को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक नौ में है, दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है दीर्घ रोम क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा
दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। कार्य है दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दसवां। दसवें है, यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो क्या होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है, यदि मनुष्य में रदनक दांत ना हो तो भोजन को चीरने एवं पकड़ने में समस्या होगी। यह दांत भोजन को पकड़ने एवं चीरने का कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। 11 में है, दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है। तो आपको उत्तर में लिखना है, हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो जो है आपको इस तरह से चित्र बनाना है और आपको इस तरह से नाम भी लिखना है। तो आप यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा और नाम भी लिख लीजिएगा। इस तरह से आपको कर लेना है मानव पाचन तंत्र का चित्र बना के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है, पहला है अंतःग्रहण, स्वांगीकरण। अंतःग्रहण भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। दूसरा है स्वांगीकरण, शुद्धांत्र में अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका प्रयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है, अमीबा में अंतःकोश की पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेटिसिन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रोव में बदल जाता है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है और ऐसे ही आपको चित्र भी बनाना है। इसे देख के अच्छे से बना लीजिएगा। इस तरह से आपको अमीबा का चित्र भी बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में है, दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। तो आपको जो है इस तरह से दांतों की जो है चित्र बना लेना है और नाम भी लिखना है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। आपको दांत का चित्र बनाना है और आपको लिखना है, हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसका पता लगाएं। दांतों के प्रकार, दांतों की संख्या, निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा। तो आपको जो है इस तरह से देख के कर लेना है। निचला जबड़ा में देखिए 4 है, ऊपरी जबड़ा में 4 और योग 8। तो इस तरह से आपको यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15। 15 में है, ग्रीष्मिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है, नाम भी लिखना है। देख लीजिए, इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर। 12 नंबर में है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। आपका घास खाने वाला जंतु, तो इस तरह से आपको जो है चित्र बना लेना है और नाम भी लिख लीजिएगा यहाँ से देख के। तो इस तरह से आप अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। तो धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। आपको जो है उत्तर में लिखना है, प्राणायाम के करने से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, अतः प्राणायाम आवश्यक है। और इस तरह से आपको एक पोस्टर भी बनाना है। यहाँ पर आपको नाम भी लिखना है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नारा लिखना है और कृपया इसका सेवन ना करें। तो इस तरह से आपको पोस्टर भी बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो आपको लिखना है, बनाने की विधि और उपयोग। आप यहाँ से देख के आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।